यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सभाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग एक ही बात बार बार बोलते हैं कि मशीन देख लेना, ईवीएम देख लेना। ऐसी चुनाव प्रणाली जिसके ऊपर लोगों को भरोसा ना हो तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है पूरे लोकतंत्र के ऊपर। आज एक पार्टी को छोड़ के इस देश की सारी पार्टियां और इस देश के लगभग सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मशीनें गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। इस देश के सारे लोग तो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी संभव नहीं है तो कम से कम काउंटिंग तो कर दो। जो पर्चियां निकालते हैं वो पर्चियां निकालते क्यों हैं? वो वीवीपैट रख क्यों रखी है सर? अगर वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग ही नहीं कर रही तो जनता ये पूछती है फिर ये मशीनों पर खर्चा ही क्यों करा रहा? वहाँ पे सजा के रखने के लिए थोड़ी करा रहा? तो उन पर्चियों की काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो एक ही पार्टी है जो पूरे देश के अंदर सारे देश की सारी जनता, यहाँ तक कि बीजेपी के वोटरों से भी जब हम बात करते हैं वो भी कहते हैं हाँ इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो देश की सारी जनता चाहती है, देश की सारी पार्टियां चाहती है, केवल एक पार्टी इसके खिलाफ कर रही है कि ईवीएम की पर्चियों की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और वो पार्टी क्यों खिलाफ कर रही है? क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचता भी था। अभी तक आप इतने सारे पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को काफी अनुभव है, आपको काफी जानकारी है। पिछले 5 साल में एक मशीन अगर पूरे देश में कहीं ऐसी खराब हुई हो जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी के अलावा किसको वोट, किसी को और को वोट पड़ा? यहाँ मशीन जो भी खराब होती है उसको हमेशा वोट बीजेपी से पड़ता है खराब मशीनों पर। ऐसा क्यों है? ये कोई मशीन का जो खराब होना है वो भी प्रोग्राम तो नहीं है, तो एक प्रोग्रामिंग ऐसी की गई कि खराब ऐसे होगी वोट बीजेपी को पड़ेगा। तो ये मशीनें खराब नहीं होती हैं, वो मशीनों को प्रोग्राम इस तरह से किया जाता है कि वोट बीजेपी को पड़ेगा। तो उनमें वोट है पकड़ी जाती है, तो जब पकड़ी जाती है तो कहते हैं मशीन खराब होती है। आज तक किसी भी खराब मशीन की जांच नहीं हुई कि भाई ये क्यों खराब हुई, कहाँ खराब हुई, किसने खराब करी, ऐसा क्यों हो गया कि सारा कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है, ऐसा क्यों हो गया? ये तो टेक्नोलॉजी है ना, मैं भी इंजीनियर हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ टेक्नोलॉजी को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मशीन खराब बीजेपी के पक्ष में ही हो। तो कुछ ना कुछ तो सोचा है, कुछ ना कुछ कोई जांच नहीं करते। अभी जो आंध्र प्रदेश के अंदर वो बहुत ही खतरनाक है, मशीनें इतने घंटे तक खराब कर दी कि उनकी इनकी क्या साजिश है? साजिश ये है जो बूथ भाजपा के खिलाफ है, सबको पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता है ये बूथ हमारे पक्ष का है, ये बूथ हमारे खिलाफ है, यहाँ में वोट पड़ने वाले हैं यहाँ नहीं पड़ने वाले। जो बूथ भाजपा के खिलाफ है वहाँ मशीन खराब कर दी, 4 घंटे मशीन खराब रहेगी, सब थक हटा के लाइनों में लग चुके चले जाएंगे, वोट परसेंट ये कम हो जाएगा। सोच सकते हो कि सारी सारी रात लोगों ने आंध्र प्रदेश के अंदर लाइनों में खड़े होकर सुबह 4 बजे तक वोट डाले हैं, क्या प्रस्तुत था उनका? 4-4 बजे तक क्यों लोगों को लाइन में खड़ा किया गया? किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि नहीं की जाएगी? अभी मैं देख रहा था 4 बजे से फिर ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया है 3 बूथों के ऊपर सुबह 4:30 बजे तक वोट पड़े, 5 बूथों के ऊपर सुबह 3:20 तक वोट पड़े, 256 बूथों के ऊपर रात को 10 बजे तक वोट पड़े। ये चुनाव हो रहा है, मजाक हो रहा है? आप लोगों ने टीवी खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हो, इतनी बड़ी संख्या के ऊपर कभी टीवी खराब हुए? इतनी बड़ी संख्या में कभी रेफ्रिजरेटर कंपनियां बंद हो जाती हैं? और ये ईवीएम रोड खराब हो रही है, मतलब पूरी की पूरी ईवीएम खर्च नहीं, ईवीएम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, छोटी सी माइक्रोचिप है उसके अंदर, तो खराब हो रही नहीं है। ईवीएम का खराब होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया इस देश के अंदर। ईवीएम खराब की जा रही है, जानबूझ के ईवीएम खराब की जा रही है, ईवीएम खराब की जा रही है वोटर्स
ऑपोजिशन के वोट को सप्रेस करने के लिए ईवीएम खराब की जा रही है, भाजपा को वोट डलवाने के लिए जोर करे से ईवीएम खराब की जा रही है और ईवीएम के ऊपर इस देश के लोगों का भरोसा नहीं बचा है। और आखिरी बात, सारी बातें अभिषेक जी ने, कपिल जी ने, चंद्रबाबू जी ने कह दी, लेकिन इस अभी जो निकल के आ रहा है इसमें मार्क स्केल के ऊपर जो वोटर्स के रजिस्टर हो गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली के अंदर 30 लाख वोटरों के नाम कटवा दिए, ये तो हमें टाइम से पता चल गया, ऊपर वाले उतरे से एक महीने पहले पता चल गया, हमने कहीं के गिरवा दिए 30 लाख दिल्ली में कटवा दिए, 25 लाख तेलंगाना में कटवा दिए, ऐसे चुनाव जीतने की बीजेपी नहीं होता, ये तरीके उनके चुनाव जीतने के बीजेपी के, हिम्मत है तो मैदान में आना, कहते हैं हम मर गए, आओ मैदान में लड़ो चुनाव, करते ईमानदारी से लड़ो चुनाव,